हेलो एस्पेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ईयर 2022 में आया हुआ भारतीय समाज खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के जनजातीय समुदायों की विविधता को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है, जिसमें आपको उन विशिष्ट संदर्भों के बारे में चर्चा करनी है जिससे भारत के जनजातीय समुदायों को किसी एकल श्रेणी में पिरोया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो भारत सरकार के अधिनियम 1935 के द्वारा एक ही श्रेणी में रहने वाले या जंगल पर निर्भर सदस्यों को जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भारत में जनजातियों की विविधता की अगर हम बात करें तो ये मेघालय की मात्र सत्तात्मक खासी जनजाति से लेकर राजस्थान एवं गुजरात की पितृ सत्तात्मक जनजातियों तक इसकी विविधता देखी जा सकती है। इसके अलावा ये जो विविधता है गुजरात के अफ्रीकी मूल के सिद्दी और अंडमान निकोबार के स्वदेशी जनजाति जैसे प्रहरी के आधार पर भी देखी जा सकती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद हम देख लेते हैं भारत के जनजातीय समुदायों को एकल श्रेणी में किन आधारों पर पिरोया जा सकता है। अगर हम इसमें फर्स्ट आधार की बात करें तो वे आमतौर पर अलग थलग रहते हैं। इसके अलावा वे टैटू, ताबीज और आभूषण जैसी समान धार्मिक प्रथाओं का पालन करते हैं, साथ ही साथ वे जादू टोने पर भी विश्वास रखते हैं। इसके साथ ही आमतौर पर वे अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और उनमें प्रकृति पूजा काफी ज्यादा आम देखने को मिलती है। आजीविका के लिए वे लोग जंगल पर निर्भर करते हैं और एक संतुलित वातावरण बनाए रखते हुए वे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा उनकी जो सामाजिक संरचना है वे समतावादी है और जाति के स्तर पर वे कम स्तरीकृत हैं। इसके साथ ही वे जीवात्मवाद यानी कि एनिमिज्म पर भी विश्वास रखते हैं। उनमें से जो अधिकांश हैं वे प्रादेशिक समूह हैं और वे अपनी जनजाति एवं संस्कृति के प्रति काफी ज्यादा समर्पित हैं। साथ ही साथ उनमें से जो अधिकांश हैं आदिम व्यवसाय में लगे हुए हैं, जैसे कि स्थानांतरित खेती का अभ्यास आज भी उनके यहाँ पर किया जाता है। साथ ही साथ जो अधिकांश जो स्वदेशी संगठन हैं उनमें वैदिक काल की जो सभा और जो समितियां हुआ करती थी, जैसी जो बुजुर्गों की जो परिषद हुआ करती थी, वे इनमें आज भी अस्तित्व में देखने को मिलती है। साथ ही साथ उनका जो समाज है आमतौर पर आत्मनिर्भर दिखाई देता है। इसके अलावा जनजातियों को उनके परंपरागत ज्ञान एवं जल, जंगल, जमीन के उनके प्रेम के लिए भारत की जनजातियों को एकल श्रेणी में पिरोया जा सकता है। इसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में बात करें तो जनजातियों में से अधिकांश मुख्यधारा के समाज से भिन्न हैं और डॉक्टर अंबेडकर ने उनकी इस विशिष्ट सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं की वकालत की थी और उन्हें एक अलग, एकल एवं विशिष्ट शैली में शामिल करने की उन्होंने मांग की थी। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया 2022 में आया हुआ जीएस पेपर 1 के सोसाइटी खंड से।